बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। मेरे प्यारे बहन भाई, आज मैं घर अकेला खड़ा हूँ। बेगम साहबा सुबह से गई हुई हैं जी अपने मायके, और मेरे प्यारे बहन भाई मैं बताता चलूँ, मैं जा रहा हूँ जी एक मस्जिद, वहाँ पर विज़िट करना है। और मस्जिद के जो कारी साहब हैं वो सुबह वक़्त हमारे घर आ गए थे, और कारी साहब ने कहा है भाई मेरे साथ चलें और मेरी मस्जिद का चल के विज़िट करें, मुझे एक नलके की अशद ज़रूरत है, क्योंकि नमाजी जो है ना वज़ू के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, और पढ़ने वाले भी बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं वज़ू के लिए, पानी पीने के लिए। तो चल के आप विज़िट करें और मुझे एक नलके की ज़रूरत है। मैंने कहा भाई साहब ज़रूर मैं आऊँगा, फ़िलहाल तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाई बेगम साहबा उस वक़्त तैयारी कर रही थी, और बच्चों को और बेगम साहबा को मैंने मायके छोड़ना था, तो इसलिए उस वक़्त कारी साहब के साथ मैं नहीं जा सका। तो कारी साहब को मैंने कहा है भाई साहब आप चलें, और आज की डेट में इंशाल्लाह मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा और आके विज़िट करूंगा। और मेरे प्यारे बहन भाई मैं बताता चलूं, ये अल्लाह के घर के काम है जी, और इस कामों के लिए हम ना भी नहीं कर सकते, और काम ये ऐसे हैं, तो फिर हमें जाना पड़ता है, विज़िट करना पड़ता है। और कारी साहब से मैंने पूछा है, मैंने कहा भाई साहब वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? उसने कहा है भाई साहब बच्चे भी काफ़ी सारे पढ़ते हैं, और जुमा भी होता है, और 5 वक्त जमात के साथ नमाज भी होती है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं आता हूँ इंशाल्लाह, ज़रूर आके विज़िट करता हूँ। और मेरे प्यारे बहन भाई, ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बस इस अल्लाह के घर की ये ज़रूरत पूरी हो जाए। अब उधर चलता हूँ, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अल्लाह का घर बना हुआ है, और माशाल्लाह वज़ू खाना भी बना हुआ है। और कारी साहब ने मुझे बुलाया है, कारी साहब ने कहा है भाई जब बिजली नहीं होती तो नमाजी जो है ना वज़ू के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे वज़ू के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, पानी पीने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, तो हमारी मस्जिद में नलका नहीं है, जब बिजली नहीं होती तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कारी साहब को मैंने कहा है भाई साहब ज़रूर मैं आऊँगा इंशाल्लाह, आपकी मस्जिद की वीडियो बनाता हूँ। तो माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ, और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का घर है जी, ये देख सकते हैं जी, जी। माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, सामने कारी साहब बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। बेटा एक मिनट, कारी साहब क्या हाल है, ठीक हो जी? खैरियत सेहत पे ठीक है? अच्छा जी, कर रहे हैं अपनी ड्यूटियाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चों को संभाला हुआ है आपने, अल्लाह पाक आपको जजाय खैर दे, और अल्लाह पाक आपकी इस तरह की ड्यूटियाँ लगा ही रखे। अच्छा कारी साहब, आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है? आप नलके के लिए बुलाया था। नलके के लिए जी, जी। अच्छा, नलका कहाँ पे लगाना है? नलका यही फ्रंट पे लगाना है। फ्रंट पे लगाना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे प्यारे बहन भाई, कारी साहब का कहना है एक नलके की ज़रूरत है और फ्रंट पे लगाना है। कारी साहब का कहना है कि जब बिजली नहीं होती तो नमाजी काफ़ी परेशान होते हैं वज़ू के लिए, और बच्चे भी वज़ू के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, और पानी पीने के लिए भी काफ़ी परेशान होते हैं, ऐसे ना कारी साहब? चलो माशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर नलका लगा के देंगे, ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाई ये देखें, माशाल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का घर है, और जितना किससे हो सके तो करें, इस अल्लाह के घर में एक नलके की ज़रूरत है, तो किसी से हो सके तो एक नलका दे दें, ताकि हम इस अल्लाह के घर में लगाएँ, और नमाजी जो है ना सुकून से वज़ू करें, नमाज अदा करें, और पढ़ने वाले बच्चे जो है ना वो भी सुकून से वज़ू करें और कुरान पाक पढ़ें। ये देखें जी, यहाँ पे लगाना होगा या यहाँ पे लगाना होगा, इधर ही लगाना है नलका। तो मेरे प्यारे बहन भाई, सबके आगे गुजारिश है, अपील है, ये अल्लाह के घर का काम है, अल्लाह पाक इसका अजर ज़रूर देगा, और अल्लाह पाक आप सबको इस तरह के नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।